साथियों, आप अपनी मिट्टी से भले ही दूर है, लेकिन न्यू इंडिया के निर्माण में आपकी सक्रिय भागीदारी में और बढ़ोतरी हो, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। भारत में जो बदलाव आ रहा है, जो नए अवसर बन रहे हैं, उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदलते हुए इस भारत में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि भारत के स्टार्टअप्स और एनआरआई मेंटर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी आपके लिए एक अहम सेक्टर हो सकता है। भाई और बहनों, मां भारती की सुरक्षा अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी आपका जुड़ाव और मजबूत हो, इसके लिए प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की भी शुरुआत की जा रही है। मैं इस मंच पर पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि आप जिस भी देश में रहते हैं, वहां से अपने आसपास के कम से कम 5 परिवार, और वो भी नॉन इंडियन, 5 परिवारों को भारत आने के लिए आप प्रेरित करिए। आपका ये प्रयास देश में टूरिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी तरह आप इस वर्ष गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर अपने देश में रहते हुए कैसे उनकी बातों को, भारत की बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पर भी विचार कीजिए। पिछले दिनों सुषमा जी के नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में एक अच्छा प्रयोग हुआ। वहां के हमारी सभी एम्बेसीज ने गांधी 150 निमित्त उस देश के कलाकारों को वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, गांधी जी का प्रिय भजन, उनको गाने के लिए रिक्वेस्ट की। YouTube पर इसकी सारी वीडियो अवेलेबल है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि विदेश के नागरिक, विदेश के कलाकार कितनी भक्ति भाव से वैष्णव भजन तो तहने रे कहिए गा रहे हैं। एक प्रकार से गांधी ग्लोबल है। ये अनुभूति हम सब कोई इसको सुनते कर सकते हैं, और इसलिए कुछ विशेष कार्यक्रम अगर आप करना चाहें तो भारतीय दूतावास या एम्बेसी द्वारा भी आपकी हर संभव मदद की जाएगी। इस वर्ष हम सभी गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी मना रहे हैं। गुरुवाणी को हम कैसे दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उसे कैसे परिचित कराएं, इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप जिस भी देश में हो, कुछ न कुछ योजना बननी चाहिए, कुछ न कुछ प्रयास होना चाहिए।